अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जे एंड के सी एस आर यानि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस को स्टार्ट करेंगे तो एज़ पर द सिलेबस उसमें चैप्टर वन में हमें टॉपिक दिया है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन यानी जेके सी एस आर किस हद तक अप्लाई होता है किन पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे जम्मू एंड कश्मीर के और चैप्टर टू के अंडर हमें डेफिनेशंस दी गई है तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पे आ, कम्प्लीट करने की तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटेंट ऑफ़ एप्लीकेशन में हम देखेंगे पहले के जेके जे सी एस आर जो है ये कब वजूद में आया जेके सी एस आर जो है ये 1956 से एग्जिस्टेंस में है और उसके बाद से इसमें काफी सारी एडिशन मॉडिफिकेशन और डिलीशन आज तक होती आई है जेके सी एस आर जो है कि हमें कंडीशन दिखाता है यानी कि ये अप्लाई होता है कहाँ पे सैलरीज लीव सर्विस इन द डिपार्टमेंट पेंशन ट्रैवलिंग अलाउेंसेस एंड अदर अलाउेंसेस को कैसे हम अर्न करें एक सिविल डिपार्टमेंट में और किस तरीके से ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती है उन कंडीशंस को भी जे के सी एस आर जो है हमें डिफाइन करता है सी एस आर जो है ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और इनडायरेक्टली हमें ये रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के बारे में भी कुछ बताता है मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मैंने इनडायरेक्टली वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें पता है कि रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के सारे रूलिंग्स हम सी सी ए रूल्स के अंडर पढ़ते हैं लेकिन जे के सी एस आर में भी हमें कुछ हद तक इसके बारे में कहा गया है यानी कि हम जे के सी एस आर की एप्लीकेबिलिटी कहाँ देखते हैं हम देखते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी अर्निंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज लीव सर्विस पेंशन ट्रैवलिंग अलाउंसिस एंड अदर अलाउंसेज में ठीक है आर इसकी एप्लीकेबिलिटी हम ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की जगह भी देखते हैं और इसकी एप्लीकेबिलिटी हम रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन में भी इनडायरेक्टली देखते हैं ठीक है कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि आप जी एक्सटेंट हमें बताइए टू विच जेके सी एस आर इज एप्लीकेबल इन कोर्स ऑफ टाइम कुछ रूलिंग्स जो है वो सी एस आर में एड हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस और कुछ रूलिंग्स जो है वो डिलीट हुई है या मॉडिफाई हुई है क्योंकि वक्त के साथ उन्होंने अपनी वैलिडिटी खो दी थी गवर्नमेंट जो है वो ये राइट right रिजर्व करती है यानी गवर्नमेंट के पास ये राइट right है कि वो किसी भी रूलिंग को चेंज करे किसी भी रूलिंग को कैंसिल करे गवर्नमेंट के पास ये राइट right भी है कि अगर किसी जगह किसी एम्प्लॉय पे कोई रूलिंग जे के सी एस आर की हार्शली अप्लाई हो रही है या अनफेयरली अप्लाई हो रही है तो वो वहाँ पे रूलिंग्स में कंसेशन यानी रिलैक्सेशन दे तो ये राइट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है अपने पास रखती है गवर्नमेंट के पास ये राइट right भी है कि अगर किसी रूलिंग का मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो या कोई डिस्प्यूट हो रहा हो किसी रूलिंग को लेकर के या कोई डाउट जो है वो लग रहा हो तो गवर्नमेंट जो है उसके पास ये राइट right है कि वो उस रूलिंग की मीनिंग को इंटरप्रेट करे यानी एक्सप्लेन करे अब हम क्वेश्चन हमें यहाँ पे आता है देखने को कभी पेपर्स में कि क्लेम्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर ऑफ़ ये वही बात हुई कि किस हद तक CSR के जो है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लाई होते हैं या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या क्या क्लेम्स कर सकता है सीएसआर के सी एस आर के प्रोविजन के अंडर ठीक है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सी एस आर के अंडर क्या क्या क्लेम्स है गवर्नमेंट के हैं एम्प्लॉय के हैं सॉरी गवर्नमेंट सर्वेंट के क्या क्या क्लेम्स है सी एस आर के अंडर यानी कि किस हद तक वो अप्लाई होता है गवर्नमेंट सर्वेंट पे वो यूँ है वेज पे यानी सैलरीज पे जैसे मैंने पहले ही आपको बताया वेज इन द फॉर्म ऑफ पे एंड अलाउेंसेस उस पीरियड की जिस पीरियड में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने वर्क किया हो और किस तरीके से ये वेज उसको पे की जाएंगी एज पर द रूल्स जो कि उस पीरियड ऑफ टाइम में चल रहे होंगे यानी कि वो रूल्स जो कि उस पीरियड ऑफ टाइम में जिस पीरियड में हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हैं उनके हिसाब से किस तरीके से हम वेजेस दें और किस तरीके से उन वेजेस को हम कैलकुलेट करें एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हक में ठीक है एज पर द रूल्स ये वही रूल्स है कौन से सी एस आर के ही रूल्स है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कभी कभार मॉडिफाई होते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रूल्स जो कि सी एस आर के एनफोर्सेबल होंगे उस टाइम में ठीक है उसके बाद किस तरीके से लीव्स को अर्न करेगा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और किस तरीके से वो लीव्स उसे दी जाएंगी, ठीक है एज पर द रूल्स इन वोग या एज पर द लीव रूल्स इन वोग, ठीक पेंशन किस तरीके से दिया जाएगा एज पर द रूल्स इन वोक किसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि एलिजिबल हम आ, उसे मानेंगे एज़ पर द रूल्स उस टाइम के यानी कि एक एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस तरीके से पेंशन जो है वो दिया जाए या पेंशन उसका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए वो हमें जो है सी एस आर के अंडर मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंसेज और बाकी सारे अलाउंसेस किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं किस तरीके से दिए जाते हैं एज पर द रूल्स इन वोग वो भी हमें देखने को मिलता है किसके अंडर सी एस आर के अंडर यानी कि ये सारी क्लेम्स है गवर्नमेंट सर्वेंट की सी एस आर के अंडर अब जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर सेकेंड में हमें डिफिनीशन आती है तो हम कुछ डिफिनीशन को आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम बाकी सारी डेफिनीशन को कवर अप करेंगे पहली डेफिनीशन जो है एज पर सी एस आर वो है एबसेंटी एबसेंटी कौन होता है कोई भी ऑफिसर या ऑफिशल जो कि अपनी अपॉइंटमेंट से यानी कि उस पोस्ट से जिस पे उसकी लीन होगी लीन मतलब परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी उस पोस्ट के अगेंस्ट पे वो काम कर रहा हो आगे भी हम इंशाल्लाह लीन को बहुत डी uh, डेप्थ में पढ़ेंगे तो यहां पे मैं आपको ऐसे बता दूं लीन होती है सबस्टेंटिव पोस्ट ठीक है एक गवर्नमेंट का सबस्टेंटिव पोस्ट क्या है परमानेंट पोस्ट क्या है जिसके अगेंस्ट वो पे ड्रॉ कर रहा है वो हो गई उसकी लीन तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपनी लीन पोस्ट से एबसेंट है किस वजह से लीव की वजह से डिपुटेशन की वजह से स्पेशल ड्यूटी की वजह से या सस्पेंशन की वजह से या ट्रांसफर की वजह से अगर वो ज्वाइनिंग टाइम ले रहा है उस वजह से अगर वो अपनी सबस्टेंटिव लीन से अपनी अपॉइंटमेंट वाली पोस्ट से अब्सेंट है तो इन सब वजूहात की बिना पे उसे जो है अब्सेंटी का नाम दिया जाएगा अब्सेंटी ठीक यानी फिर से मैं बताती हूँ अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अपनी सबस्टेंटिव अपॉइंटमेंट से गैर हाजिर है क्यों गैर हाजिर है लीव की वजह से डिपुटेशन की वजह से या स्पेशल ड्यूटी की वजह से या ज्वाइनिंग टाइम वो ले रहा हो ठीक है तो उसे हम जो है एबसेंटी का नाम देते हैं एक्टिव सर्विस एक्टिव सर्विस मीन्स जो भी टाइम हम स्पेंड करेंगे हम मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी टाइम स्पेंड करेगा अपनी ड्यूटी पे इंक्लूडिंग अर्न लीव या बाकी सारी लीव्स पे उसे हम कहेंगे एक्टिव सर्विस एपरेंटिसी अपरेंटसी वो बंदा होता है जिसे गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग देती है क्यों ट्रेनिंग देती है ताकि ट्रेनिंग के बाद इस बंदे को वो एम्प्लॉयमेंट दे गमेंट्स में यानी कि उसे गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए यानी जॉब से पहले ही गवर्नमेंट जो है एक बंदे को ट्रेनिंग देती है एक पर्टिकुलर ट्रेड में या बिजनेस में विद ए व्यू कि फिर उस बंदे को हम एम्प्लॉय करेंगे गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में ठीक है ज्यूरिंग सच सर्विस हैं ठीक है लेकिन वो remuneration किसी के नहीं होती है, वो एक particular थोड़े से पैसे उसे uh, दिए जाते हैं ज्यूरिंग पीरियड सो दैट वो अपना खर्चा चलाए उसके बाद नेक्स्ट कंपिटेंट अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसे किसी भी वर्क का पावर जो है डिलीगेट किया होगा या अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं रखी गई है तो गवर्नमेंट ही जो है उस टाइम पे खुद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानी जाती है कंट्रोलिंग ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो कि एच के सब हो ठीक है यानी कि एचओडी के सब जो भी ऑफिसर होते हैं उन्हें हम कंट्रोलिंग ऑफिसर्स कहते हैं समझ आई बात जैसे अगर एचओडी हुआ डायरेक्टर तो उसका सब ऑर्डिनेट और्डिन, कौन होता है डिप्टी डायरेक्टर्स होते तो हम डिप्टी डायरेक्टर को जो है या ज्वाइंट डायरेक्टर्स होते हैं तो ज्वाइंट डायरेक्टर्स को या डिप्टी डायरेक्टर्स को हम कंट्रोलिंग ऑफिसर्स कहेंगे ठीक है सैलरी सैलरी मींस सम ऑफ पे एंड एक्टिंग अलाउंसेस और चार्ज अलाउेंसेज ठीक है पे और एक्टिंग अलाउंसेस या चार्ज को हम सैलरी कहते हैं सैलरी में कोई भी लोकल अलाउंस अलाउंस वगैरह इंक्लूड नहीं होता पे पे होता है सम ऑफ इमोलमेंट्स या अमाउंट जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्रॉ करता है मंथली और उसमें क्या क्या चीजें आती है सबस्टेंडेटिव पे उसका ऑफिशियटिंग पे पर्सनल पे स्पेशल पे लेकिन अगर स्पेशल पे पर्सनल क्वालिफिकेशन के बिना पे दिया जा रहा है तो वो स्पेशल पे इस पे का हिस्सा नहीं बन सकता है ठीक है और अगर कोई और एमॉलमेंट या कोई और अमाउंट जिसको गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किया है पे तो वो इस पे के अंडर जो है काउंट किया जाएगा मोस्टली हमें कंफ्यूजन होता है सैलरी और पे में तो यहां पे आपको क्लियरली समझ आएगा कि सैलरी के अंडर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और पे के अंडर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं ठीक है उसके बाद सबस्टेंटिव पे सबस्टेंटेटिव पे क्या होता है सबस्टेंटेटिव पे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उस टाइम पे जो उसका पोस्ट दिया जाता है अपॉइंट मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या बाय प्रमोशन वो जिस पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट होता है आइदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन तो उस पोस्ट के अगेंस्ट जो आ, पे लेता है उसे हम उसका सबस्टेंडेटिव पे कहते हैं ठीक है स्पेशल पे स्पेशल पे क्या होता है एक स्पेशल नेचर का पे जो कि एक पोस्ट uh, के uh, एक पोस्ट को मैं ऐसे कहेंगे एक पोस्ट को अटैच होता है इन कंसिड्रेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ वर्क और ड्यूटी ऑफ दैट पोस्ट मतलब कि अगर एक पोस्ट है हमारे पास कोई भी पोस्ट है उस पोस्ट की जो ड्यूटीज़ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेचर की है काफ़ी हार्श नेचर की है तो उस पोस्ट को हम जो है एज uh, एक स्पेशल तरीके से एक स्पेशल पे अटैच कर देते हैं किस वजह से इसी कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ वर्क की वजह से यानी इस पोस्ट को जो ड्यूटीज है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है या इस पोस्ट का जो काम है काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो ओवर एंड एवो इसके पे के हम इसे स्पेशल पे भी अटैच कर लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल जैसे पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन द सेक्रट्रेट या पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर उनको अपने पे के साथ साथ स्पेशल पे भी दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है क्योंकि इन पोस्ट का जो नेचर ऑफ वर्क है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है ठीक है उसके बाद पर्सनल पे या पर्सनल अलाउंस जिसे हम मोस्टली पर्सनल पे के नाम से ही जानते हैं अगर कभी कभार एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका जो सबस्टेंटिव पे होता है उसमें उसे किसी वजह से लॉस हो जाता है लॉस किस तरीके से अगर रिविजन ऑफ पे हुआ और उसकी जो पे लेवल है या पे स्केल है वो चेंज हुई और उस स्केल में वो अपने पहले पे से जो वो पहली आ, अपनी प्रीवियस लेवल में या प्रीवियस स्केल में ड्रा कर रहा हो उसको जो है एनहेंस होने के बजाय उसका कम ही हो रहा है तो उस टाइम पे उसे हम जो है पर्सनल पे दे, दे देते हैं या अगर कभी कभार जो है अगर हम आ, नेक्स्ट आ, लेवल में या नेक्स्ट आ, आ, स्केल में अपॉइंटमेंट कर देते हैं उस टाइम पे कभी जो है पे में जो है इंक्रीज होने के बजाय वो वैसा ही रहता है या डिक्रीज हो जाता है कम ही हो जाता है उस लेवल में तो हम क्या करते हैं काम पर्सनल पे दे देते हैं या कभी कभार जो है सबस्टेंटिव पे का जो है रिडक्शन हो जाता है रिडक्शन कैसे हो जाता है अगर किसी सर्विस को दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज तो कर दिया कभी किसी डिपार्टमेंट को जो है वो या कभी किसी स्कीम के अंडर लगे हुए एम्प्लॉयज़ को जो कि एक परमानेंट स्कीम तो होती है गवर्नमेंट की उसके अंडर लगे हुए एम्प्लॉइज को जो है वो मर्ज कर देते हैं किसी और डिपार्टमेंट में उस स्कीम को क्लोज कर देते हैं तो उस रसवाई स्कीम के एम्प्लॉयज़ को जब वो नए डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर देते हैं उसको वहाँ पर उन्हें जब वहाँ पर एब्जॉर्व कर करना पड़ता है तो उस टाइम पे उन एम्प्लॉयज का जो पे होता है अगर वो वहां पे हायर पे ड्रॉ कर रहे होते हैं और इस नए डिपार्टमेंट में जिस जिनको जिसमें उन्हें जो है डाला जाता है वहां पे उस लेवल का कोई पोस्ट नहीं होता तो उन्हें थोड़े से कम लेवल के पोस्ट पे एडजस्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली उनका पे जो है थोड़ा कम आ जाएगा तो उस टाइम पे जो है उन्हें पर्सनल पे जो है प्रोटेक्शन के हिसाब से दिया जाता है सो so दैट उनका पे जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए प्रोटेक्शन के दो तीन तरीके भी है उन्होंने उन्हें मैक्सिमम ऑफ दैट पोस्ट जो उन्हें इस नए डिपार्टमेंट में पोस्ट दिया जा रहा है उसके मैक्सिमम पे भी उनकी जो है बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट उनकी फिक्सेशन हो सकती है लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो उन्हें पर्सनल पे दिया जा सकता है तो पर्सनल पे तभी दिया जा सकता है जब कोई डिसप्लिनरी एक्शन इन्वॉल्व ना हो ठीक है इनिशियल पे इनिशियल पे मीनस वो पे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट पे लेता है जैसे कि उसकी अपॉइंटमेंट होती है उस अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट के के टाइम टाइम पे 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 जो पे, अपनी पे, जो अपनी इनिशियल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है उसे हम उसकी इनिशियल पे कहते हैं विद दिस आज का लेक्चर हम इंक्लूड करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू